Assalamualaikum students. I am your maths teacher. Today we are continuing the exercise number 2, which is on page number 70. Page number 70, exercise number 2, to simplify the algebraic expression. हमने algebraic expression को simplify करना है. The expression number 9 is 24ab divided by 8b. हमने पहले पढ़ा था अगर डिवीजन का साइन आए तो फर्स्ट टर्म जो जो डिवीजन से पहले वाली टर्म है वो न्यूमरेटर में जा देते हैं, हम उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे. फर्स्ट टर्म जो है पहली वाली टर्म इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिवाइड के बाद वाली टर्म को डिनोमिनेटर में लिखेंगे यानी लाइन के नीचे. नाउ 24ab अपॉन 8b बन गया. अब हम कोफिशिएंट को सेम टेबल से डिवाइड करेंगे. 8 1 8 8 3 24. वेरिएबल को चेक करेंगे, अगर सेम वेरिएबल मौजूद हैं तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे. बी कैंसिल हो जाएगा बी से, ए यहाँ पे डिनोमिनेटर में नहीं था इसलिए ए कैंसिल नहीं होगा. आंसर क्या आ जाएगा? 3 जो कि बच गया था डिनोमिनेटर में और ए, 3a इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 10 इज, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. 3a मल्टीप्लाई बाय 4a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c. फोर टर्म्स है, वो चारों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन में वेरिएबल सेम हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, डिफरेंट हो तो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं. इसलिए हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह इसमें ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं पड़ती. सबसे पहले हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4, 2 एंड 3. इन चारों कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएबल फर्स्ट टर्म में से आएगा ए, सेकंड टर्म में से ए अगेन, थर्ड टर्म में से बी एंड फोर्थ टर्म में से सी. नाउ मल्टीप्लाई दीज कोफिशिएंट्स. 3 4 12, 12 2 24, 24 3 72. 72 आंसर आ गया. नाउ मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स. ए एंड ए बोथ आर सेम वेरिएबल्स इसलिए इनकी पावर ऐड हो जाएगी. यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है. 1 + 1 = 2. ए की पावर क्या हो गई? 2. बी सी ये दोनों डिफरेंट है इसलिए बी ऐसे लिखा जाएगा, सी भी ऐसे लिखा जाएगा और तीनों वेरिएबल्स को ज्वाइन कर देंगे. ए स्क्वायर बी सी 72, ए स्क्वायर बी सी इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 इज 48ab divided by 3a. अगेन डिवीजन का क्वेश्चन आ गया. डिवीजन के क्वेश्चन में एक्सप्रेशन जो डिवीजन साइन से पहले है वो न्यूमरेटर बन जाएगी, जो एक्सप्रेशन डिवीजन साइन के बाद है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी. 48ab अपॉन 3a. फिर हम 3 के टेबल में 48 आता है. 3 1 3 3 16 48, इसको डिवाइड करेंगे. ए को ए से कैंसिल करेंगे, अब बी यहाँ पे रह जाएगा. 16b इज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 12 इज 6x मल्टीप्लाई बाय 5y मल्टीप्लाई बाय 2z. अगेन मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है. पहले हम कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे. कोफिशिएंट का 6, 5 एंड 2. 6, 5 एंड 2 को मल्टीप्लाई किया एंड नाउ मल्टीप्लाई द वेरिएबल्स दैट आर एक्स वाई एंड जी. 6 5 30 32 60. ये कोफिशिएंट का आंसर आ गया मल्टीप्लाई होके. और वेरिएबल एक्स वाई जी तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं इसे पावर ऐड नहीं होगी, तीनों कंबाइन होके आ जाएगा एक्स वाई जी. क्वेश्चन नंबर 13 इज 6z - 2z + 5z - z. 4 टर्म्स हैं और 4 टर्म्स इन वेरिएबल सेम है. हम क्या करेंगे? 2 2 का ग्रुप बनाएंगे. फर्स्ट 2 का ग्रुप बनाया हमने 6z - 2z + - 6 में यानी सब्ट्रैक्शन करना है. 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया, 4 आंसर आया. बड़े की साइन प्लस थी यहाँ पे 6 की तो 4 की भी साइन आएगी प्लस. तो जो टर्म्स रह गई हैं उनको एज इट इज कॉपी कर लीजिए. +5z - z. नाउ मेक द ग्रुप ऑफ 2 टर्म्स. 4z का ग्रुप बनेगा 5z के साथ ++s+. 4 के साथ 5 प्लस हो क्या आ गया आंसर 9 और प्लस की साइन. z इज द वेरिएबल. अब ये लास्ट टर्म जो रह गई है इसके साथ इसका ग्रुप बनाइए. 9 का साइन थी प्लस, प्लस माइनस इज माइनस. सब्ट्रैक्शन होगा 9 के साथ, क्या सब्ट्रैक्ट करना है?
1 सबट्रैक्ट करना है 9 में से 1 माइनस हुआ 8 इज द कोफिशिएंट z इज द वेरिएबल साइन किसकी आएगी 9 की या 1 की व्हिच इज बिगर नंबर 9 इज द बिगर नंबर 9 की साइन है प्लस तो प्लस साइन यहां पे आ गई हिडन है इनविजिबल है क्वेश्चन नंबर 14 -3x -2y इसमें कोई भी टर्म कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है इसलिए ये सिंपलीफाई नहीं हो सकता इट विल रिमेन सेम इन द आंसर क्वेश्चन नंबर 15 6a +3b +2a -b a का a के साथ ग्रुप बनेगा b के साथ ग्रुप बनेगा 6a का ग्रुप बनेगा 2a के साथ 3b का ग्रुप बनेगा -b के साथ 6a plus is plus add okay 6 plus 2 is 8 a plus minus is minus subtraction होगा 3 में से क्या minus करेंगे hidden 1 2 coefficient हो जाएगा बड़े number की sign 3 की sign plus है plus sign आ जाएगी और b इसके साथ variable आ जाएगा answer is 8a plus 2b is the answer of question number 15 thank you